स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। अरे ये बच्चा कौन है? आज से पहले कभी इसे देखा नहीं और अब दिखेगा भी नहीं। सामने तो दिखे कौन बॉलिंग करने आ रहा है। मुझे तो लगता है पहले बॉल पे आउट हो जाएगा। गोली के रफ्तार से निकलती हुई गेंद, बल्लेबाज की तो हो गई बत्ती गुल। कनिका, काम तो होते ही रहेंगे। आज बच्चों की सगाई है, कम से कम आज तो साथ में लंच करेंगे। ट्रस्ट मी सैवी, मैं खुद लंच आप लोगों के साथ करना चाहती थी, लेकिन इतना सारा इम्पोर्टेंट काम पेंडिंग है। मैं काम खुद ही सारा काम फिनिश करके ना हम डिनर साथ में करते हैं। डिनर के लिए आएगी? अब एक सेकेंड ना कनिका। कनिका, क्या तुम मेहमान हो जो सीधे शाम को मिलोगी? फैमिली ना। देखो मैंने आज काम से छुट्टी ली है, तुम भी ले। और हाँ, तनिषा को भी साथ ले आना लंच पे। ओके ठीक है, आ रही हो। शुक्र है तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान तो आओ। वो तो आनी थी, आज मैं माँ से सासू माँ जो बनने वाली हूँ। वो तो है, पर मेरे कहने का ये मतलब था कि कम से कम कनिका को सच बताने का भूत तुम्हारे सर से तो उतरा। अब इसी मूड को बरकरार रखना। कैसे बरकरार रखो? हमारे ना बताने के बावजूद भी अगर कनिका को अयान का सच पता चला तो? कैसे पता चलेगा? हम में से अगर कोई कनिका को बताएगा तब ना। और कब तक इस राज से बेचैन रहोगी? अरसों बीत चुके, इस बात को तुम भी आगे बढ़ाओ। देखो अयान और सोनू ने फ्लाइट बोर्ड किया या नहीं पता करो। ओह, बड़ी माँ का फोन आ रहा है। मैं उन्हें बताना तो भूल ही गई कि हमारी फ्लाइट डिले हो गई है। कोई बात नहीं, मैं बात करता हूँ। हाँ सुहाना। माँ आयान। आयो बेटा, फ्लाइट बोर्ड कर ली ना तुमने? अब क्या बताऊँ माँ, फ्लाइट 2 घंटे डिलेट है। क्या 2 घंटे लेट? कनिका और तनिषा लंच पे आ रहे हैं, तो वो तो तुम्हें एक्सपेक्ट करेंगे ना बेटा। माँ उन दोनों को मेरी तरफ से सॉरी बोल दीजिएगा, फ्लाइट डिलेड है, I can't help it, लंच तक तो बिल्कुल नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ ठीक है, मैं बोल दूंगी। लेकिन सुनो, 9:30 बजे सगाई का मुहूर्त है, उससे पहले आ जाना। डोंट वरी माँ, तब तक तो आराम से पहुंच जाएंगे। टेक केयर बेटा। क्या हुआ? आपको क्या हुआ भाई? मैं ये सोच रही हूँ कि जिस इंसान ने आज तक किसी को डेट तक नहीं किया, आज उसकी एंगेजमेंट है और उसके फेस पे एक्साइटमेंट की जगह टेंशन दिख रही है। बेटा तेरी बारी आने दे, तब देखेंगे तेरी एक्साइटमेंट। अब मुझ पे मत आओ आप, मैं तो बहुत एक्साइटेड होंगी अगर शादी मेरी पसंद से हुई तो, वरना मैं दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूंगी। टाटा बाय बाय तो आज पप्पी का होगा, जब फालतू मैच जीत के उसके मुंह पे पैसे मारेगी। आज फालतू के हुनर के आगे सबकी छोटी शान धूल चाटेगी। ध्यान बॉलर के कद पे नहीं, सिर्फ गेंद पे। एकदम अर्जुन की तरह तुम्हें मछली की आंख के अलावा कुछ और दिखाई नहीं देना चाहिए। तुम्हारे इस बल्ले से निकला हुआ छक्का उन सबके मुंह बंद करवा देगा जिन्होंने जिंदगी भर तुम्हारे हुनर को तुम्हारे जेंडर के पीछे छुपा के रखने की कोशिश की। जिस फालतू नाम का पूरी दुनिया मजाक बनाती है ना, अब वही नाम क्रिकेट की दुनिया में
हमारे देश की शान बन के निकलेगा। और ये वेद प्रकाश अपनी दूसरी बॉल का रनअप लेते हुए आंखों में अंगारे, और अब ये देखना है कि ये गेंद से अनमोल सिंह का सर जाता है या विकेट। गेंद तो बड़ी अच्छी थी, लेकिन अनमोल सिंह का शॉट उससे भी ज्यादा अच्छा था। आसमान को छूते हुए लॉन्ग बॉल की तरफ गया एक करारा छक्का। पप्पी साहब, ना गलत सोच रहे थे। छोरों की खेल प्रतियोगिता है, फालतू नहीं हो सकती वहाँ। पर पप्पी जी, प्रताप भी तो गया वो मैच खेलने के लिए। अगर ऐसी कोई बात होती तो वो हम दोनों को तो जरूर बताता। तो पप्पी जी, फालतू छोर ही है ये। छोरों के साथ ना क्रिकेट मैच खेलने के लिए वो ना जाएगी। देखने में ये खिलाड़ी तो बच्चा लगता है, लेकिन बाप बनके सब बॉलर्स को कूट रहा है। अनमोल, 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 फालतू, 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 जब हमारी को मार सब क्यों नजर आ रहे। चल चल चल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फालतू। फालतू है ये बॉलर, इसके भी छक्के छुड़ा दे। चल अनमोल, 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 अनमोल। प्रताप, मैच में किसी को फालतू फालतू चिल्ला रहा था। वही तो इरादा है पप्पी काका। जिज्जू, जिज्जू, मारे जिज्जू तो थारे भी जिज्जू। क्या नाम है उस छोरे का? अनमोल सिंह। अनमोल सिंह कौन से गांव का है ये? अब माधोपुरा, माधोपुरा का है। उत्तरपुर की तरफ से माधोपुरा का छोरा क्रिकेट खेलने गया। मगर थे इतनी पूछताछ क्या कर रहे हो? हा? अरे फालतू के गायब होने से अनमोल का क्या लेना देना है? लेना देना तो है छोटी सासू माँ, जरूर है। बड़ा ही करीबी मामला था। लगता है रनिंग बिटवीन द विकेट्स में अनमोल सिंह थोड़ा कमजोर है, लेकिन उनकी टेक्निक कोई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी से कम नहीं है। अनमोल सिंह ने बनाया है 2 ओवर में 44 रन। ये अर्धशतक मुझे मैन ऑफ द मैच के और करीब ले जा सकता है। घुमा दे बल्ला और बन जा इस कुरुक्षेत्र का अर्जुन। इतना करारा तमाचा तो नहीं मारने दूंगा चरण सिंह। अब मैं थारी बेटी को खोजूंगा, फिर तन्ने जेल भिजवाऊंगा, और अगर उसको ढूंढने के लिए मुझे पाताल में भी जाना पड़ा ना तो जाऊंगा। हेलो, गड़बड़ हो गई है सर, लगता है पप्पी को अनमोल पे शक हो गया है।
वो सबको लेकर ग्राउंड पे गया है। What? तुम एक काम करो, उनका पीछा करो। Yes, sir. भाई, the weather is clear. Boarding start हो गई है। चले? भाई चले। Yeah, let's go. ये अच्छा लग रहा है ना? I think इसपे white दुपट्टा अच्छा लगेगा। हाँ, हम try कर सकते हैं। प्रिया, 2 मिनट प्लीज। ओके। ये सब क्या है मॉम? जय का कॉल आया था, वो लोग लंच पे हमारा वेट कर रहे हैं। अब तू जल्दी से इनमें से अयान की पसंद की रिंग चूज कर ले, क्योंकि एंगेजमेंट पहले से मंदिर में भी रखना है। अब अयान की पसंद मुझे कैसे पता होगी मॉम? मैंने कभी उसे रिंग पहनते हुए नहीं देखा। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। तन्नु, तू बीवी बनने वाली है अयान की, तुझे उसकी पसंद नापसंद के बारे में पता होना चाहिए। ऐसे संभालेगी तू मित्तल्स के घर को? पसंद नापसंद तो साथ रहकर समझ आती है। अब कैजुअल फ्रेंड्स से ज्यादा हम थे ही नहीं, डेटिंग तो बहुत दूर की बात है। अब शादी होगी तो साथ रहकर एक दूसरे को जान जाएंगे। अब आप प्लीज जाइए, मुझे ट्रायल करना है प्लीज। अच्छा ठीक है पगलू। ओवर की आखिरी गेंद, क्या इसी गेंद में अनमोल सिंह अपना अर्धशतक बना पाएगा या कुछ और गेंदों का उन्हें इंतजार करना पड़ेगा? इसी के साथ अनमोल सिंह ने अपना अर्धशतक पूरा कर दिया है। आज का दिन इस युवा खिलाड़ी अनमोल सिंह के नाम, उनकी ये पारी उन्हें मैन ऑफ द मैच जरूर बनाएगी। अरे पप्पी जी, क्या कर रहे हैं आप? ऐसे अंदर नहीं आ सकते। बहुत हो गया बैट बल्ले का खेल, अब बाकी का खेल हम खेलेंगे। अरे क्या बात है, 2 ओवर में 50 रन। अरे उत्तर पूर्व वासियों, जोरदार तालियां हो जाए हमारे इस 5 फुटिया नए खिलाड़ी के लिए। क्या बात हो गई पप्पी जी? अरे बताते हैं। जीजू आप यहाँ? अभी तो मैच खत्म भी नहीं हुआ। अच्छा खत्म नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम कर देते हैं। अपने कद से घनी ओछी छलांग लगा दी तन्ने। क्या बात, पर तारे जैसे जाबाज जुझारू झंझाट खिलाड़ी से हमारा पूरा गांव अनजान है। तो देखो आगे का मैच खेलने से पहले ना थोड़ी जान पहचान कर लेते हैं। अरे वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। जीजू ये बाद में करते हैं ना। अभी हम बात कर रहे हैं ना, हैं? अरे साले साहब आप भी ना, अरे तब बेस्ट प्लेयर है आपका दोस्त। अब गांव वाले बेचारे इस चीज से अनजान है कि कौन है, कहां से आया है, तो इसके लिए आईडी तो दिखा ही सकते हो ना जी। चल भाई अपना पहचान पत्र दिखा दे, आधार कार्ड वोटर आईडी कार्ड कुछ भी। खेलने निकला हूँ ना,
ये सब लेकर थोड़ी घूमता हूँ, घर में पड़ा होगा। हाँ, ये बात भी सही है जी। लेकिन फोन में तो होगा ना, आजकल तो सभी रखते हैं, मोबाइल में ही दिखा दे। फोन भी ना है हमारे पास। ना थारे पास फोन है, ना पहचान पत्र है। रुख से नकाब उठा के चेहरा तो दिखा दे। लाडो, अरे तो फालतू है, फालतू, ये तो फालतू है, अरे तो फालतू है, फालतू, अरे ये तो फालतू है, फालतू है, ये तो फालतू है, फालतू। के कहा था ससुर जी कि अगर मारी होने वाली दुल्हन पाताल में भी छुप जाएगी ना तो ढूंढ के निकाल दूंगा। ये तो फिर भी जमीन पे ही मिल गई। बाप का सहारा बनने चली थी। अरे मूर्खानंद, बाप का सहारा ही बनना होता ना तो तू छोरी बना के ना पैदा होती, भगवान तुझे छोरा बनाता। अरे छोरी की किस्मत मर्द के ना वजूद से होती है, वजूद से। अरे थैलों का तो काम ही है हम लोग की सेवा सत्कार करना, चूल्हा चौका करना, इसीलिए तो तुम लोग का जन्म होता है ना। और तू अपनी औकात भूल गई है? ये नकड़ी बाल लगा के पतलून पहन के इन छोरों के साथ यहां मैच खेलने चली आई, शर्म नहीं तन्ने। इतनी हिम्मत! ये छोरी हमारे गांव और हमारी संस्कृति पर कलंक है। अरे छोरों के साथ में खेलकूद कर रही है बेशरम, बाहर निकालो इसे। अरे उसकी जरूरत ना है, तो गया क्रिकेट का मैच, अब मैं थारे साथ खुद मैच खेलूंगा। इट्स टाइम टू गेट मैरिड। पप्पी, हाथ छोड़ लाडो का, मैं तुझे इसके साथ बदसलूकी ना करने दूंगा। ऐसा रतन, बस आज मैं तेरी एक ना सुनूंगा। देख रहे हो ना इतना पूर्वासियों, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, जो चरण सिंह ने मारे से पीछे उधार लिए थे और जब उधार ना चुका पाया तो अपनी बेटी फालतू से मारा ब्याता हुआ, और अब देखो कैसे पलटी मार रहा है। आखिर मारे को फालतू से ब्याह करने का हक है या नहीं? हाँ, 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 है कि नहीं? बिल्कुल है, ले जाओ, बिल्कुल है, ले जाओ। तो के कहते हो दिलवाड़े अपनी दुल्हनिया ले जाए, तुम्हारी लुगाई है, ले जाइए चौक से। चलो भाई, मिल गया परमिशन, चल। भाग चल लाडो, भाग चल। अरे जीजी क्या कर रहे हो, कहो में रहना है कि नहीं? उड़ गया विकेट, हो गई रन आउट, चला जा।
आजा पंडित इंतजार कर रहा मंडप में। हाथ छोड़ उसका। लाडो छोड़ो मारे को। बात हो गया ड्रामा, चले शादी शादी खेलने। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।